गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी आकांक्षा जैन की है, जिसकी हर खुशी उसके पति पूरे करते हैं। बदले में वो भी अपने पति की खुशी का बहुत ध्यान रखती है। कैसी खुशी ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की इस कहानी को। आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आकांक्षा जैन, मेरी उम्र 27 साल है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ और घर में सब मुझे आशु कहते हैं। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। ये बात एक मेरी सच्ची घटना है जो मैं अपने पति से परमिशन लेकर शेयर कर रही हूँ। खैर मेरी शादी को भी 4 साल हो गया है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नया नया ही है, जैसे कि हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक ही काम है जो मैंने शादी के बाद नहीं किया, किसी और से रिश्ते तो दूर, मैंने किसी को भी आँख उठाकर नहीं देखा। हाँ ये बात अलग है कि हर कोई मुझे एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है, पर मैं सब अनदेखा करती हूँ। ये जरूर है कि मेरे पति के साथ मैं हर तरह के वीडियोस वगैरह साथ देखती हूँ और उनके साथ लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ। एक बार की बात है, हम दोनों पति पत्नी फ़ोन पर वीडियोस देख रहे थे, तो उसमें दो कपल थे और दोनों एक किसी अन्य मतलब दूसरे वाले कपल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो मैं ऐसे ही देख रही थी और मेरे दिमाग में उस दिन कुछ झांसी गई। मैंने यूं ही मजाक में मेरे पति से कह दिया कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो क्या आप किसी और के साथ रिलेशन बना लोगे। तभी मेरे पति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसा हो तो हो सकता है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा। अगर तुम ये सब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो लाइफ में कुछ ऐसा नया होना चाहिए, तो ऐसा मौका मिला तो मैं इस मौके को गवाऊँगा नहीं, शायद मैं भी ट्राई करूँ। मैं सब ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर उस दिन मेरे पति ये सब बातें करते रहे और मेरी जो सोच थी ना ये बिल्कुल बदल सी गई। इससे पहले तो मैंने दोस्तों आपको कहा ही था कि मेरी सोच बिल्कुल अलग थी, बस किसी और की तरफ अपनी आंखें उठाकर भी नहीं देखती। लेकिन उस दिन के जैसे बाद मेरी सोच ही बदल गई हो। और उस दिन के बाद हम दोनों मतलब मैं और मेरे पति एक दूसरे से इसी तरह के बातचीत करते और अपनी लाइफ में खुश थे। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ कि हमारे पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ एक जोड़ा किराए में रहने आया। शर्मा जी का घर बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने घर के एक हिस्से में किराएदार रख दिया था। उस युगल का करीबन 28 और 30 साल रही होगी। खास बात ये थी कि उस जोड़े में जो वो आदमी था वो बड़ा ही आकर्षक था। मैं तो उसे देखते ही एकदम रह गई। वो एकदम स्मार्ट और लंबा था, देखने में भी बहुत स्मार्ट था, साथ ही उसकी पत्नी भी खूबसूरत थी। एक नज़र में तो मैं उसे भी देखती रहेगी। उसकी ड्रेस भी काफ़ी अच्छी थी, वो लाल रंग की साड़ी में सी लग रही थी। मैंने तिरछी नज़र से देखा तो मेरे पति भी उसे देखते जा रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान भंग करते हुए कहा कि कहाँ खो गए। वो बोले, कुछ नहीं, चलो उनसे मिलकर परिचय करते हैं। हम दोनों भी उनके पास गए। फिर हम चारों ने एक दूसरे से अपना परिचय करवाया। उस युवक का नाम राहुल था और उसकी पत्नी का नाम रोशनी। वो दिन तो यूं ही कट गए। कुछ दिन में रोशनी और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई और मेरे पति और उसके पति भी अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम कभी कभी साथ में रेस्टोरेंट वगैरह घूमने जाने लगे। मैं आए दिन मेरे पति के सामने रोशनी की तारीफ करती रहती। कभी मैं कहती, आज वो कैसी लग रही थी, आज उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज रोशनी ने ना पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सच में क्या लग रही थी मैं बता नहीं सकती। उनसे ऐसा कहने पर मेरे पति खो जाते। मेरे पति अब उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। वो भी आए दिन राहुल की तारीफ करते रहते।
एक दिन मैं रोशनी से बाहर मिली तो मैंने उसे मजाक से पूछ लिया कि क्यों ना हम एक दूसरे के लाइफ थोड़ा सा बदल देते हैं और कुछ लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसने हंसते हुए कहा, यार मैं जानती थी तेरे मन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। फिर वो चुप हो गई। उसकी इस बात से मैं थोड़ी डर गई कि कहीं उसे इन सब बातों से बुरा तो नहीं लग गया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, कहीं हम मेरी और रोशनी की दोस्ती ना टूट जाए। फिर मैंने उसने कहा थोड़ी देर बाद कि डर मत। अरे बाबा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आजकल ये सब नॉर्मल और कॉमन है। मैंने कहा, क्यों भाई साहब इसके लिए राजी हैं? वो बोले, अरे वो तो कब से फिदा है, मैं अक्सर ये बात नोटिस करती हूँ, वो हमेशा तुम्हें देखा करते हैं और तुम्हारे बारे में तो इतना ही बात करते हैं। तब मैंने भी कहा, हाँ मैं भी किसी स्टाइल में मेरे उनके सामने बात करती रहती हूँ। फिर मैंने उससे उसकी रात अपने पति से उसके बारे में बात करने का कहा। क्या रोशनी से तुम्हारे लिए बात करूँ? ये सुनकर मेरे पति का खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हाँ मेरी जान, पर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, नहीं तो, लाइफ में थोड़ी बहुत नयापन लाना नॉर्मल है। उन्होंने कहा, यार मैं तो कब से उसके तरफ फिदा हूँ। मैं कुछ कहती तभी उन्होंने खुद आगे से कहा, तुम्हारे बारे में भी क्या मैं राहुल से बात करूँ? मैं सोचती और कहती इससे पहले वो बोले कि हम लोग लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। वो बोले, क्या राहुल और रोशनी इस चीज़ के लिए मान जाएंगे? मैंने कहा, मैं कल रोशनी से इस बारे में बात करती हूँ। तो मेरे पति ने कहा, ठीक है। फिर मेरे मन में भी सच में लड्डू फूट रहे थे, क्या लाइफ में कुछ नया होगा, कैसा होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। उस रात हम दोनों एक दूसरे से बस यही सब बातें करते रहे। उसके बाद मेरे पति तो सो गए, लेकिन यही सब सोचकर मुझे तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही सुबह हुई तो मैं रेडी हुई और मेरे मन में बस चल रहा था कि कब मैं रोशनी से जाकर पूछूं कि उसने बात किया या नहीं किया, क्या बात है। फिर मेरे पति जब ऑफिस चले गए तो मैं रोशनी से मिली। मैंने कहा, मैंने उनसे बात की, वो मान गए, वो भी तुम्हारे ऊपर बहुत पागल है, वो तो दीवानों की तरह तुम्हें चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, तुम भी राहुल से बात कर ले। उसने कहा, हाँ मेरी भी बात हो गई, आज रात हम राहुल भी मान गया, बस अब शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, कुछ प्लान बनाते हैं। फिर हम चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, हम सभी कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चारों ने एक साथ कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। रोशनी ने कहा, हम वही होटल में दो रूम लेंगे, घूमना भी हो जाएगा और सब अरेंजमेंट भी हो जाएगा। अगले दिन संडे हम लोग घूमने निकले, रास्ते में खूब मस्ती मजाक हुआ। जैसे हम पहुँचे कुछ पता ही नहीं चला, एक अच्छे से होटल में हमारी आईडी लेकर दो रूम बुक किए, नीचे ही रेस्टो भी था, वहाँ हम सब ने खाना ऑर्डर किया। फिर हमारे लिए एक पल निकालना मुश्किल हो रहा था, वैसे सब यही सोच रहा था कि फिर आगे क्या होगा। पहले हम चारों एक रूम में बैठकर हल्का फुल्का नाश्ता किए और फिर आगे बात बढ़ने लगी। दोस्तों फिर क्या हुआ आपको जानना है तो इंतज़ार करने के साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करते हैं तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मिले। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।